सो गाइस आप देख सकते हैं कितना गहरा है ये गड्ढा। खाइए, ये कोई यहाँ से गिर जाए तो उसका लाश भी नहीं मिलेगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्लिक अवे विद कुणाल में। आज हमारा आखिरी दिन है ऊटी में, ब्रेकफास्ट हो गया है, ड्राइवर भी रेडी है, रूम से अभी हम चेकआउट करेंगे और इसके बाद हम निकलने जो वाले हैं, जो साइट सीन में जाने वाले, वो आपको तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, व्लॉग में आपको रहना होगा, आपको ये व्लॉग देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा। गाइस, मेरे पैर का जो कंडीशन है वो सही नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है पैर में। मैं अभी पेन किलर खाने वाला हूँ पर पता नहीं कितना मैं घूम पाऊँगा आज, सफ़र भी बहुत लंबा है, वापस मुझे चेन्नई भी जाना होगा। गाइस, मैं ऊटी में यांत्रा लेजर में रुका था, ये पीछे ये प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है। अगर आप में से कोई भी ऊटी आते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे रुकिए, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी है, फूड अच्छा है और मेनली इसका एम्बियंस सुपर है, बहुत अच्छा लग रहा हम लोग यहाँ पे। गाइज, अभी हम लोग ऊटी स्टेशन में है, यहाँ से हम टॉय ट्रेन राइड लेने वाले हैं कुन्नूर के लिए। फिर पीछे जो है ये ट्रेन आ चुकी है, सब पैसेंजर है, अभी कुछ चढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टेशन से। 9:15 मॉर्निंग जो होती है और ये 1.5 आवर्स की जर्नी होती है, कुन्नूर पहुँचेगी अराउंड 10:30। स्टेशन में पहुंच गए, यहाँ थोड़ी देर के लिए होल्ड होगा, फिर इससे यहाँ से निकल जाएगा ट्रेन। अभी मैं पहुंच चुका हूँ डॉल्फिन नोज में, ये भी एक जाना माना स्पॉट है यहाँ का ऊटी का। उसके पहले हम लोगों ने जो है टॉय ट्रेन राइड लिया है, बहुत ही अच्छा राइड था, अगर कोई भी ऊटी में आता है तो वो राइड ज़रूर ले ऊटी से कुन्नूर के लिए, क्योंकि उसके बीच में जो आपको स्पॉट मिलेंगे बहुत ही खूबसूरत रहता है वो और मज़ेदार राइड होता है वो। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड चल नहीं पा रहा हूँ, पेन किलर लिया है पर कुछ काम नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पैर में। हम लोग बहुत ही हाइट में हैं, आपको मेरे पीछे का नज़ारा दिख रहा होगा, पीछे झरना भी गिर रहा है उस तरफ में, मैं जहाँ पे मुझे पॉइंट कर रहा हूँ देखिए उस तरफ में, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ से व्यू, बहुत बढ़िया आ रहा है यहाँ से व्यू। मेरे पीछे में जो पॉइंट है, इस पॉइंट को भी सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता है, बहुत हाइट में, मैं आपको दिखाता हूँ अभी आइए। I'm not afraid to die.
गाइस अभी मैं हूँ ऊटी के टी गार्डन में। इस तरह के बहुत सारे गार्डन हैं ऊटी में जहाँ से चाय पत्ती जाती है फैक्ट्री में, फिर उस फैक्ट्री से वो चाय बनती है और हम लोग के घर पे आती है और हम चाय पीते हैं बहुत मज़े से। गाइस मैं भी लैम्स रॉक में हूँ, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई ऊपर में और मेरे पैर की हालत बिल्कुल सही नहीं है, बहुत पेन है। बहुत कोशिश की हम ऊपर चढ़ने के लिए, आधे बस थोड़ा ऊपर चढ़ा उसके बाद और मेरा पैर चल नहीं रहा है। इनफैक्ट मैं अगर ऊपर कैसे भी चले भी जाता हूँ तो मैं उतर नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे उतरने में और ज़्यादा दिक्कत हो रही है पैर में। तो आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं जा पा रहा ऊपर में। गाइस लैम्स रॉक का जो एंट्री फी है वो 10 रुपये है और अगर कोई वीडियो कैमरा अंदर लेके जाता है तो उसका 50 रुपीज़ चार्ज है। और डॉल्फिन नोज का जो एंट्री फी है वो भी 10 रुपये ही है और वहाँ का भी जो कैमरा चार्जेस है वीडियो कैमरा वो 50 रुपीज़ का है। गाइस अभी हम लोग लंच करने रुके हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में जो कि बहुत ऑथेंटिक रेस्टोरेंट है। अच्छा लग रहा है, पीछे में व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। तो हमने जो है साउथ इंडियन थाली ऑर्डर किया है, वो भी वेज वाला। रास्ते में मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं वेज ही खाऊं। पीछे जो आपको दिख रहा है ये ट्रक है, इस ट्रक में किचन बनाया गया है और ये रेस्टोरेंट है। आइडिया बहुत ही यूनिक है। गाइस अभी मैं हूँ कटेरी पार्क में, ये भी एक गार्डन जैसे ही है यहाँ पे। चले एक्सप्लोर करते हैं। एक बात जो ऊटी में मुझे देखने में मिला वो ये चीज़ है कि यहाँ पे बहुत तरह के फूल और जो पौधे हैं उनकी स्पीशीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली। और मैं जिधर भी जितने भी यहाँ पे पार्क में गया और गार्डन में गया, बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को प्रिजर्व किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे ये सब जो पौधे हैं इन पौधों को सेल के लिए रखा गया है। तो गाइस मैं हमेशा जब ट्रिप प्लान करता हूँ मैं हमेशा ये देखता हूँ कि जो होटल में मैं रहने वाला हूँ होटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। ऐसा होटल में लेता हूँ जो कि रीज़नेबल हो पर अच्छा प्रॉपर्टी हो, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी हो। साथ ही साथ मैं ट्रिप में हमेशा ये देखता हूँ कि कैसे कैसे साइट सीन मुझे कराए जा रहे हैं। तो उसी तरह इस ट्रिप में भी मैंने कुछ ज़्यादा खर्च नहीं किया है, बहुत ही रीज़नेबल मनी ही मैंने खर्च किया। और आपको अगर पता करना है कि मैंने कितना पैसे इस ट्रिप में मैंने खर्च किया है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल में बता दूंगा वापस रिप्लाई करके कि मैंने इस ट्रिप में कितने पैसे खर्च किए हैं। ये पार्क बाहर से उतना बड़ा नहीं दिखता है बट अंदर से बहुत बड़ा ही है। वहाँ से एंट्रेंस है, फिर ये पूरा जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये इस पार्क के अंदर में ही आता है। गाइस अभी मैं हूँ कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन में। यहाँ पे जो है एसी वेटिंग हॉल का भी फैसिलिटी है जिसको जो कि पर आवर आपको पे करना होगा 25 रुपीज़, और जिसमें कि अटैच बाथरूम भी है और इस तरह का आपको सोफ़ा फैसिलिटी मिलेगा जहाँ मैं आराम से लेट सकते हो। चार्जर भी है यहाँ पे, तो ओवरऑल सही है। गाइस सुबह हो चुकी है, मैं पहुंच भी गया हूँ चेन्नई में। तो ये आपको दिख रहा नया मेहमान। आशा करता हूँ आपको मेरी जो ऊटी वाली ट्रिप है वो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गाइस पिक्चर अभी बाकी है, ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुई है, और भी नए ब्लॉग आने वाले हैं। तो एज़ ऑलवेज Eat healthy, stay healthy and stay awesome and do watch my channel. Click away with Kunal.
गाइस पहुंच गए हैं हैदराबाद अभी।